नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय, एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो आपके प्रेम को, आपके नाराज प्रेमी या प्रेमिका को, पति या पत्नी को, जिसके बीच में कोई भी ऐसी समस्या चल रही है कि आप दोनों के मध्य बात बिगड़ रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई एक उस प्यार को बचाना चाहता है, उस प्यार को वापस पाना चाहता है। कोई भी समस्या हो, इस छोटे से उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। मित्रों, यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि इसे करने के बाद सामने वाला व्यक्ति, जिसके लिए भी आप उपाय करेंगे, वह आपको छोड़कर के नहीं जा पाएगा, दिन रात केवल आपके लिए तड़पेगा। बस उपाय को बताए गए तरीके से आपको करना है। बहुत ही सरल उपाय होने वाला है, लेकिन जितना सरल है उतना शक्तिशाली भी है, जो प्रेम के रिश्ते को तत्काल मजबूत करता है। मित्रों, उपाय शुरू करने से पहले उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करें, क्योंकि जितना विश्वास और धैर्य होगा उपाय उतना ही अपना असर दिखाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई करने के लिए उपाय करते हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता, तो ट्राई करने के लिए बिल्कुल भी उपाय को ना करें, पूर्ण विश्वास के साथ उपाय करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपए की फीस देकर के डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय की विधि को अच्छे से समझ लीजिए, उसके पश्चात ही उपाय के लिए बैठिए। उपाय शुरू करने से पहले आपको अपना हाथ पैर अच्छे से धो लेना है, यानी स्वच्छ होकर के आपको उपाय के लिए बैठना है, और आपकी जो बैठने की दिशा होगी वह पूर्व की होगी, यानी जहाँ से सूर्योदय होता है उस दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। और इस उपाय के लिए आपको 2.5 लौंग लेना है, यानी 2 लौंग बिल्कुल साबुत होगी और 1 लौंग आधा होगी, यानी उसके मोटे वाले भाग को आपको लेना है। दोस्तों, जब लौंग लेकर के आप बैठेंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी अपने पास रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रखना है। आप कोई कटोरी में रख सकते हैं, गिलास में रख सकते हैं, या कोई भी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो कटोरी ही लेने का प्रयास कीजिए और पानी के कटोरी को साइड में रख दीजिए, क्योंकि अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपने जो 2.5 लौंग लिया है उसे आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है, हाथ को बंद करके मुट्ठी बना लेना है और ऊपर से अपना उल्टा हाथ रख देना है। इसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे ठीक प्रकार से आपको सोचना है और इस तरह से सोचना है कि उसकी तस्वीर आपके मन मस्तिष्क में दिखाई देने लगे। उस समय कोई भी आपके मन मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए, केवल वही व्यक्ति आपके मन में रहना चाहिए। पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के आपको उपाय करना है। जब आप उसे ठीक प्रकार से सोच लेंगे और वह आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, एक मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, जो मंत्र आप बोलेंगे वह बहुत ही शक्तिशाली होगा और इसका आपको 11 बार उच्चारण करना है। किस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है, ओम हींग एंग अमुक वश्यम, ओम हींग एंग अमुक वश्यम, अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसका पहला नाम आपको लेना है। मंत्र को आपको मौखिक रूप से बोलना है, मन ही मन नहीं बोलना है, और मंत्र को पहले से ही आपको याद करके रखना है, आपको बीच में देखना नहीं है। दोस्तों, उपाय को आपको एकांत में करना है, कोई भी बाधा डालने वाला नहीं होना चाहिए, आपको गुप्त रूप से उपाय करना है। और मंत्र जब 11 बार बोल लेंगे उसके पश्चात आपको क्या करना है, हाथ की मुट्ठी खोलनी है और जो कटोरी आपने लिया हुआ है जिसमें पानी है उसमें लौंग को डाल देना है। इसके बाद आपको कटोरी उठाना है
और एक स्थान पर आधे घंटे के लिए रख देना है और फिर आधे घंटे के बाद इस कटोरी को घर से बाहर लेकर के जाना है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इसे अपने छत पर भी लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ में कटोरी को पकड़ करके जैसे हम सूर्य देव को अर्घ प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह से इस पानी को नीचे गिरा देना है और वापस आपको अपने घर के भीतर आ जाना है और अपने हाथ पैर धो करके अपने कार्य पर लग जाना है। इतना उपाय करने के बाद आपको इंतजार करना है, वह सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए भी आपने यह उपाय किया है खुद आपसे संपर्क करेगा और अपने रिश्ते अपने संबंध खुद सुधारेगा। बस आपको विश्वास के साथ उपाय करना है और धैर्य रख करके चलना है, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।